नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए तत्सम तद्भव शब्दों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार और शब्द विचार टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द थे उनमें अपनों ने पांच भेद पढ़े थे, उसमें से तत्सम व तद्भव शब्दों का अध्ययन अपन कर रहे थे। तो इस क्लास में भी अपन तत्सम तद्भव शब्दों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कुछ और देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे अपन पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं। मैं तत्सम लिखूंगी, आप साथ साथ तद्भव लिखिए, ठीक है। देखिए, एक शब्द आपके सामने है द्विवर। द्विवर आपके सामने शब्द है, ठीक है। आपको इसका तद्भव लिखना है, मैं और तत्सम लिखते जा रही हूं, ठीक है। उसके बाद महिषी, महिषी, घोटक, गोटिका, हस्ती, और जब हस्ती आ गया तो हस्तिनी को भी देख लो। उसके बाद कुछ और तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव। तो यहां पर एक शब्द है कपोत, एक शब्द है कच्छप, एक शब्द है दंड, और एक शब्द है दंश, एक शब्द है अद्य, और एक शब्द है अर्ध। इन शब्दों के आप तद्भव रूप लिखिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, द्विवर शब्द का तद्भव रूप होता है देवर, दूसरा वर, ठीक है। महिषी होती है भैंस, भैंस जिसे तद्भव में कहते हैं उसी को तत्सम में महिषी बोलते हैं। गोटक का घोड़ा हो जाता है, गोटिका का घोड़ी हो जाता है, और यहीं पर यदि घटिका आ जाए, घटिका, तो घटिका का घड़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हस्ती का हाथी हो जाता है, और यदि हस्तिनी का देखें तो हस्तिनी का हथिनी हो जाता है। कपोत का कबूतर हो जाता है, कच्छप का कछुआ हो जाता है, दंश, दंड का डंडा हो जाता है, और दंश का डंक, जैसे सांप डंक मारता है ना, तो उसे दंश बोलते हैं तत्सम में। देखिए, अद्य का आज होता है, और यहां पर शब्द युग्म भी बता देती हूं। देखिए, अद्य का आज, और यदि आद्य आ जाए तो अद्य का अर्थ होता है पहले, और अर्ध का अर्थ होता है आधा। उसी प्रकार से यदि एक शब्द और बताऊं मैं आपको, तो कर्म का तद्भव होता है काम। ये शब्द एग्जाम में पूछा जा चुका है, कर्म का काम पूछा जा चुका है, और अग्नि का आग पूछा जा चुका है। देखिए, 2011 टेट में ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और इनमें काम का तत्सम रूप और आग का तत्सम रूप इस प्रकार से पूछा गया था। उसी प्रकार से एक शब्द ये भी पूछा जा चुका है कि धुआं जो है, धुआं, उसका तत्सम रूप क्या होगा। तो तत्सम रूप क्या होता है, धूम्र होता है, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहां पर यदि द्विवर की बात आ रही है तो द्विवर के साथ अपन एक दो शब्द, चलिए अपन आगे चलते हैं, ये अपनों ने देख लिए, शायद आपको समझ में आ गए होंगे, इनको हटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। उसके साथ ही कुछ
कुछ और तत्सम तद्भव शब्द जो महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। देखिए एक शब्द आपके सामने है आभीर। आभीर एक महत्वपूर्ण शब्द है। कल मैंने अहेर का भी बताया था, अकेट का भी बताया था, आज आभीर का। आभीर का मतलब होता है अहेरी। अहेरी शब्द आभीर का तत्सम तद्भव रूप होता है। उसी प्रकार से यदि अपन देखें अर्क, तो देखिए अर्क का कुछ किताबें तो अरक लिख देती हैं और कुछ किताबें आक लिख देती है, और दोनों ही सही है, ठीक है। और यदि अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूं पूछते हैं कि इनमें से भी हमें एक बताओ, क्योंकि पता नहीं दोनों में से एक आ जाए, तो देखिए ऐसे विवादित प्रश्न आरपीएससी नहीं देगी, और देगी तो आपको बोनस अंक मिलेगा। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताऊं, एक बार अभी जो मैं कर्म वाला मैंने बताया, तो उसमें यूं दिया गया था कि काम का तद्भव रूप क्या होगा। ये 2011 में ही प्रश्न पूछा गया था कि काम का तद्भव रूप क्या होगा, जबकि तद्भव शब्द है, तो इस समय बोनस दिया गया था। तो उसी प्रकार से है, पहले बात तो विवादित चीजें देती नहीं है, और यदि दे भी देती है कोई भी बोर्ड हो या कोई आरपीएससी हो, यदि विवादित चीजें आ भी जाती है तो उनके बोनस अंक मिल जाते हैं। तो यहां पर ये दोनों ही सही माने जाएंगे। यदि होगा तो एक ही होगा, और यदि अगर नहीं होगा तो ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द है आपके सामने अम्रचूर्ण। अम्रचूर्ण, अम्रचूर्ण का, अच्छा यहां पर तद्भव मैंने लिख दिया, देखिए मैं यहां पर तत्सम ही लिखूंगी, आप तद्भव लिखिए, ठीक है। अम्रचूर्ण, और अम्रचूर्ण के बाद एक शब्द आपके सामने है उल्लूखल। आप तद्भव रूप इनके लिखिए, ठीक है, उल्लूखल। उसके बाद एक शब्द है उच्छ्वास, एक शब्द है उत्साह, और उसके साथ साथ एक शब्द है कदली, एक है कपार्दिका, एक शब्द है कंदुक, एक शब्द है कांश्यकार, और एक शब्द है स्वर्णकार। अब देखिए यहां पर, चलिए ये एक बार मैं लिख देती हूं, बाद में समझेंगे अपन। स्वर्णकार, ठीक है, और उसी के बाद एक शब्द है पर्यंक, और एक शब्द है हरिद्रा। आप इन शब्दों के तद्भव रूप बनाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अम्रचूर्ण है तो अम्रचूर्ण का हो जाएगा अमचूर, उल्लूखल का हो जाएगा ओखली, उच्छ्वास का हो जाएगा उसास, और उत्साह का हो जाएगा उच्छाह। यहां पर यदि कदली शब्द आया है तो कदली का होता है केला, कपर्दिका का होता है कौड़ी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको, मतलब आपके लिए नहीं कह रही हूं, अपन जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं। कंदुक का अर्थ होता है गेंद, महत्वपूर्ण शब्द कंदुक। कांश्यकार भी महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका होता है कसेरा, ये पूछा जा चुका है। स्वर्णकार का शब्द तद्भव रूप होगा सुनार। अब यहां पर देखिए इस प्रकार के कार प्रत्यय जुड़े हुए कोई भी शब्द आ जाए, जैसे चर्मकार आ जाए तो चमार हो जाएगा, लोहकार आ जाए तो लुहार हो जाएगा, इस प्रकार से शब्द है वो आ जाए कार प्रत्यय लगकर, तो ये किसी जाति विशेष से संबंधित शब्द माने जाएंगे। पर्यंक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द, इसका होता है पलंग, और हरिद्रा का होता है हल्दी। तो इस प्रकार से ये भी कुछ अपनों ने तत्सम और तद्भव शब्द देखे। देखिए कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे,
और कुछ शब्द है वो थोड़े से अलग से हैं, तो उनको पेंसिल लेकर बैठिए और पहले इनको लिख लीजिएगा, लिख के और पेंसिल लेकर बैठिएगा, एक बार पढ़िए, जो नहीं याद हो रहे उनको निशान लगा लीजिएगा, फिर उनका रिवीजन कीजिएगा और इस प्रकार से सभी के सभी याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से अब मैं फिर से तत्सम शब्द लिख रही हूं, आपको तद्भव बनाने हैं। एक शब्द है परस्तर, ठीक है, उसके साथ साथ एक शब्द है बुभुक्षित, बुभुक्षित। इसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है तड़ाग, एक शब्द आपके सामने है चवर्ण, एक शब्द आपके सामने है तिथिवार, एक शब्द आपके सामने है त्वरित और एक शब्द आपके सामने है तांबुलिक। उसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है सायम, एक आपके सामने है श्रृंखला, एक आपके सामने है शलाका और एक शब्द आपके सामने है मृतिका, एक आपके सामने शब्द है वणिक, एक सामने है आपके शब्द वर यात्रा और एक शब्द आपके सामने है यम। आप इन शब्दों के तद्भव रूप बनाइए और इन तद्भव रूपों को फिर अपन देखते हैं कि कितने आपके सही होते हैं। देखिए साथ साथ तत्सम तद्भव पढ़िए और फिर यहां इस क्लास में रिवीजन कीजिए, ये मैं हर क्लास में आपको कहती आ रही हूं। देखिए प्रस्तर का तद्भव रूप हो जाएगा पत्थर, ठीक है, बुभुक्षित का तद्भव रूप हो जाएगा भूखा, तड़ाग का तद्भव रूप हो जाएगा तालाब, चवर्ण का हो जाएगा, यहां पर अपनों ने एक ऐसा ही शब्द चणक देखा था, उसका अपनों ने देखा था तद्भव चना और यहां पर चवर्ण, चवर्ण का मतलब होता है या तद्भव रूप होता है चबाना। उसी प्रकार तिथिवार का होता है तद्भव त्योहार। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है शब्द शुद्धि की दृष्टि से। देखिए सामान्यतः इसका अगर तत्सम नहीं पूछा जाता, ये आरपीएससी में यूं मान लो रिजर्व शब्द है, अगर तिथि बार का तद्भव नहीं पूछा गया तो यूं पूछ लिया जाएगा कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा, कुछ में तो अनुस्वार लगा दिया जाएगा, कुछ में ऊपर दो मात्राएं लगा दी जाएगी, इस प्रकार से चार विकल्प बना दिए जाएंगे, जबकि यहां पर एक मात्रा वाला ये त्योहार, ये इस प्रकार का शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा। यहां पर मैंने आपको तीन शब्द शुद्धि से संबंधित तीन चार शब्द बता दिए, एक तो शमश्रु जिसको आप ध्यान रखेंगे, एक सेब, एक नींबू और एक नाई, मतलब नाई ऐसे की लिखा जाता है, यहां पर अनुस्वार लिखा जाता है जो नापित का तद्भव रूप होता है, ठीक है, अपन सीधा नाई बोल देते हैं, ना ई होता है और नींबू होता है, नींबू नहीं होता, सेब होता है। तो इस प्रकार से यहां पर त्वरित का यदि देखें तो त्वरित का होता है तुरंत तद्भव, तांबुलिक का होता है तमोली तद्भव रूप। उसी प्रकार से सायम, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, यदि कहीं पर इस प्रकार की विभक्ति लगी हो तो ये विभक्ति हमेशा ही संस्कृत की विभक्ति मानी जाती है, कहीं भी शब्द के अंत में यदि विसर्ग लगा हुआ हो तो वो भी संस्कृत में शब्द माना जाएगा, कहीं भी इस प्रकार का मैं लगा हुआ शब्द हो, जैसे मतलब अपन संस्कृत पढ़ते थे छोटी क्लास में तो अहम गच्छामि इस प्रकार के शब्द आते थे, यानी ये जो है वो संस्कृत की विभक्ति मानी जाती है, और इस प्रकार का या अंत में विसर्ग लगा हुआ शब्द यदि आप देखो तो वो हमेशा ही तद्भव शब्द माना जाएगा। और सायं का शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होगा, सांझ होगा। यहां पर अपनों ने सांझ का एक तत्सम शब्द और भी देखा था, यदि संध्या आ जाए तो उसका भी सांझ होगा,
और सायम आ जाए तो उसका भी सांझ होगा। और सांझ चूंकि अनुनासिक लगा हुआ शब्द है तो अनुनासिक अनुनासिक कौन से होते हैं, मूलतः तद्भव ही होते हैं। श्रृंखला का होता है सांकल, सांकल। शलाका का होता है सलाई। अब देखिए कभी कभार तो शलाका शब्द का पूछा जाता है कि इसका तद्भव रूप क्या होता है, सलाई। और कभी कभी इसके साथ साथ एक शब्द और दिया जोड़ दिया जाता है, दीप शलाका। और दीप शलाका यदि जोड़ दिया जाए तो आप इसके साथ भी एक शब्द जोड़ देंगे, दिया सलाई। दिया सलाई यानी माचिस की तिलियां। तो ये दीप शलाका या दिया सलाई, दीप शलाका है तो इसका तद्भव दिया सलाई हो जाएगा और शलाका है तो सलाई हो जाएगा। मृतिका का तद्भव रूप होता है मिट्टी। वणिक का होता है बनिया। वर यात्रा होता है बारात। और यम का अर्थ या यम का तद्भव होता है जम। देखिए यहां पर मैं कुछ शब्द और बताती हूं आपको, यहां पर ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं ये चीज हटा रही हूं। यहां पर मैं कुछ तत्सम शब्द और लिख रही हूं जिनका आपको तद्भव करना है। यम है जिसका आप लोगों ने कर दिया जम। अब एक शब्द आपके सामने है यत्र, एक आपके सामने है यूथ, एक शब्द आपके सामने है युग और एक आपके सामने है योग। सभी के सभी य से संबंधित शब्द है, करिए इनका तद्भव। देखते हैं यत्र का शब्द, यत्र का तद्भव होगा जहां। अपन कहते हैं ना यत्र तत्र, ये चीजें दिखाई देती है, मतलब यहां वहां जहां तहां ये चीजें दिखाई देती है। यूथ का होता है जत्था और युग का होता है जुग। जुग बीत गए, युग बीत गए यानी जुग बीत गए। और योग का अर्थ होता है जोग। और यहां पर एक शब्द और भी देखें, यशोदा का करें तो यशोदा का जशोदा हो जाता है। यहां पर जो मैं चीज बताना चाह रही हूं वो ये, देखिए तत्सम रूपों में सब जगह यह आया है और जैसे ही वो तद्भव में गया उसका क्या बना, जय बना, उसका जय बना। तो यहां पर आपके इतने सारे शब्द सिर्फ एक बात ध्यान में रखने से याद हो जाएंगे कि यह का तद्भव रूप हमेशा ही क्या होता है, जय होता है। ठीक है, यह तत्सम माना जाएगा और जय तद्भव माना जाएगा। और देखते हैं कुछ शब्द, देखिए एक शब्द आपके सामने है जमाता, जमाता। अब कुछ लोग इसे जमाता भी, कुछ किताबें इसे जमाता भी लिखती हैं, कुछ किताबें जमाता भी लिखती हैं। ठीक है, एक शब्द है आपके सामने घृणा, एक आपके सामने है घृत, एक आपके सामने है राज पुत्र, एक आपके सामने है पुत्र और एक आपके सामने है सूत्र। आप इनके तद्भव बनाते आइए, मैं कुछ और शब्द लिख देती हूं। हाँ तो यहीं पर एक शब्द आपके सामने है पत्र। ठीक है, और यदि अपन देखें तो देखिए एक शब्द आपके सामने है कोटि, एक शब्द आपके सामने है गोपालक, एक आपके सामने शब्द है जीर्ण। ठीक है, और इन शब्दों के आपको तद्भव बनाने हैं। ठीक है, देखिए अपन यहां पर शुरू करते हैं। जमाता का होता है जमाई, घृणा का होता है घिन। और अक्सर यूं देखा जाता है कि री स्वर भी किस में जाता है, तत्सम में जाता है। घृत का होता है घी, राजपुत्र का होता है राजपूत। ठीक है, और पुत्र का होता है पूत और सूत्र का होता है सूत। ठीक है, उसी प्रकार से पत्र का तद्भव रूप हो जाएगा पत्ता, कोटि का तद्भव रूप हो जाएगा करोड़,
अपन कहते हैं ना कि 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गाय में, गाय को माता इसलिए मानते हैं, तो कोटि का मतलब हो जाता है करोड़। गोपालक का हो जाएगा तद्भव रूप ग्वाला, जीर्ण का हो जाएगा जीना। अब यहां पर एक दो शब्द यदि अपन और देखें तो देखिए एक शब्द आता है गृध, ठीक है, तो गृध का तद्भव रूप कौन सा माना जाता है, गीध माना जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द और आता है नक्र, और नक्र का तद्भव रूप क्या माना जाता है, नाक तद्भव रूप इसका माना जाता है, ठीक है। एक दो शब्द और देख लेते हैं अपन जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो अपनों ने लगभग सारे के सारे महत्वपूर्ण शब्द देख लिए हैं। देखिए एक शब्द है आशीष, तो इसका हो जाता है एसीस, एसीस तद्भव रूप हो जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द है अट्टालिका, अट्टालिका तो उसका हो जाता है अट्टारी, महत्वपूर्ण शब्द है अट्टारी, पूछा जा चुका है एग्जाम में। और उसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है आर्द्रक, तो आर्द्रक का तद्भव क्या होगा, अदरक हो जाएगा। अब आज से यदि इस शब्द को आपको याद करना है तो आप यूं कहिए चाय में आर्द्रक डाल रहे हैं, अब आर्द्रक डालोगे तो अदरक अपने आप ही याद हो जाएगा। एक शब्द और देख लेते हैं द्विपहर, अब यहां पर आप याद रखना कि द्विपहर आ गया तो दोपहर हो जाएगा, और यदि द्विपहरी आ जाएगा तो दोपहरी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दो आया और फिर वहां दो हो जाएगा, दोपहरी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द भी अक्सर पूछ लिया जाता है द्विवेदी, और द्विवेदी एक अलग सा शब्द है जिसका तद्भव रूप दुबे होता है, दुबे, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द, और उम्मीद करती हूं आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में फिर अपन शब्द विचार टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।